हाय गाइस, मैं जितेंद्र सर, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी कानपुर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारी जो बेटा टॉपिक स्टार्ट होगी वो होगी स्टेम, तना स्टार। आज हम सब तना पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ तने का रूपांतरण पढ़ेंगे। हैं तो हम सब देख लेते हैं तना क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। हैं तना देख लेंगे बेटा, तना क्या होता है। कहते हैं पौधे के अक्ष के आरोही भाग जो जिसका 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 विकास प्रांकुर से होता है उसे हम तना कहते हैं, ठीक है। पौधे का आरोही भाग जिसका विकास प्रांकुर से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं, ठीक है। आरोही भाग बोलता, आरोही मतलब क्या होता, बड़ा आगे आगे बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, और अवरोही भाग नहीं बोल रहा हूं। तो तने का हमारा डिफिनेशन हो गया। अच्छा, तना देख लेते हैं बेटा क्या है। ये हमारा एक सीड है, मान लेते हैं सिंपल सा हमारा सीड था। सीड अब क्या कर रहा है, सीड क्या हुआ बेटा, जर्मिनेट किया। अब ये जर्मिनेट कर रहा है, जर्मिनेट करने के बाद इसके दो रीजन बन जाते हैं, सीड के क्या हो जाते हैं, दो रीजन बन जाते हैं, ठीक। अच्छा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सिस से डिवाइड कर सकते हैं, एक्सिस से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, नीचे वाली जो एक्सिस होती है उसे हम लोग बोल देते हैं क्या, नेक्स्ट वीडियो में हो गया था, हाइपोकोटाइल बोलेंगे। अच्छा, जो ऊपर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल बोलते हैं। क्या बोल दिया, इपिकोटाइल बोल दिया। अच्छा, हाइपोकोटाइल से मैंने बताया था कि क्या निकलता है, रेडिकल पाई जाती है। हाइपोकोटाइल से क्या होता है, रेडिकल आती है। अब जब रेडिकल हो गई, ठीक। अच्छा, रेडिकल आगे चल करके हमारी जो है किसमें कन्वर्ट हो गई थी, रूट बना लिए थे। रूट हम लोगों ने पढ़ रखा है, इतनी चीजें हमारी हो गई हैं, ठीक। अच्छा, अब हम थोड़ा से आगे बढ़ेंगे। अब तो नीचे पढ़ लिया ना, अब क्या करते हैं, हाइपोकोटाइल के ऊपर चलते हैं। अब पढ़ेंगे किससे, इपिकोटाइल वाले से, इपिकोटाइल रीजन। आगे चलते हैं बेटा, देखो इपिकोटाइल से ही क्या निकलता, देखो आगे जो होते हैं कुछ जो होते हैं उभरी हुई संरचना या बड़ जैसी संरचना मिलती है, और उसी को हम सब जो होते हैं इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रांकुर बोल देते हैं, प्रांकुर बोलेंगे, प्रांकुर बोलो, या इसी हम क्या बोलते हैं, प्लूमूल बोलते हैं। ये क्या है, प्लूमूल्स है, ठीक। अच्छा, प्लूमूल्स है, प्लूमूल से हमारे क्या निकल, किसका विकास हो जाएगा, स्टेम का विकास हो जाएगा। प्लूमूल से किसका विकास हो गया, स्टेम का विकास हो गया, ठीक। अच्छा, ये है हमारे स्टेम, स्टेम का विकास हो गया। स्टेम के आगे जब हम सब चलेंगे तो यहां से हमारे पत्तियों का विकास हो जाएगा, ठीक। अभी हमें आज क्या पढ़ना है, आज के जो लेक्चर है वो हमें क्या करना है, स्टेम के बारे में ही पढ़ना है। ये है स्टेम, स्टेम हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, तना, ओके। तो यहां से हमारे पास एक बात आ गई कि यह देखो क्या है, इसका जो बीज का किसी पौधे का है वो क्या है, ऊपर वाला भाग आरोही भाग है जिसका विकास किससे हो रहा, प्रांकुर से होता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, तना बोल देते हैं। तना की विशेषता में बेटा क्या है कि इसमें नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। तो तने में क्या देखने को मिलेगा, नोड और इंटर नोड। अच्छा, जहां जहां पर ये जो होते हैं दिख रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, परो बोलेंगे, ठीक। अच्छा, दो नोडों के बीच का जो स्थान होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। इसे हम क्या बोल देंगे, इंटर नोड बोल देंगे। तो यहां से तने के बीच की बातें हमें समझ में आ गई। तना होगा तो तने में क्या, तना क्या होगा, पौधे का आरोही भाग होगा। तने का विकास किससे होता है, तो प्रांकुर से होता है। अच्छा, बीज के किस भाग से तने का विकास होता है, तो इसका नाम क्या होगा हमारा, इपिकोटाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने पर, तने का जो मुख्य प्रॉपर्टी होती है कि उस पर नोड और इंटर नोड पाया जाता है, ठीक। अच्छा, नोड से हमारे क्या होते हैं, पर्वसंधि से क्या निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, और उन्हीं शाखाओं से आगे चल करके लीफ हमारी लगती है, ओके। इतनी बातें हो गई ना। अच्छा, तो और हमारे पास क्या हुआ, इसके लक्षण की बात कर लेंगे। लक्षण आप देखते होंगे कि जो तना होता है तो हल्का क्या होता है, क्लोरोफिलस होता है, हल्का हल्का। पहले जो होते जब इनिशियली दौर का तना निकलता है वो थोड़ा सा क्लोरोफिलस हरा दिखाई देता है, हैं। अच्छा, तो वो देखा जाए, उनका नेचर देखा जाए, तो हमने क्या बताया था अभी तक, रूट का जो नेचर बताया था, रूट का नेचर हमने तीन बताया था, पॉजिटिव,
हाइग्रोस्कोपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक और निगेटिव हमारा क्या था, फोटोट्रॉपिक। लेकिन तने में ये प्रॉपर्टी एकदम से अलग हो जाएगी। अलग होने का मतलब क्या होगा, यह निगेटिव क्या होगा, जियोट्रॉपिक हो जाएगा, मतलब भूम्यन नकारात्मक भूम्यनुवर्ती हो जाएगा, और नकारात्मक हमारा क्या हो जाएगा, जलोनुवर्ती हाइड्रोस्कोपिक हो जाएगा। ठीक, अच्छा और क्या हो जाएगा, देखो सन के प्रति क्या होगा, जो हमारे पास सन के प्रति जो होती है, इसको मान लेते हैं सन है ये, ठीक, तो ये हमारा सन है, सन के प्रति क्या हो गया, सन की दिशा में जा रहा है, ठीक, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बोलेंगे। ठीक, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है कि सबसे तने की सबसे प्राथमिक प्रथम कलिका का नाम बताओ, तो प्रथम जो कलिका होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लीमोल्स बोलते हैं। ठीक, इतनी बातें हो गई, अब इसी को हम राइट डाउन कर रहे हैं। ठीक, आप देखो बेटा, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, लिखना शुरू कर रहे हैं। अब बेटा हम सब क्या करें, स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, देखो मैंने लिखा क्या, तने का निर्माण होता है, तने का निर्माण किससे हो रहा है बेटा, हमारा प्लीमोल्स या प्रांकुर द्वारा हो रहा है, किससे हो रहा है, प्रांकुर द्वारा। ओके, अच्छा पहली लाइन हो गई, पहला क्वेश्चन बनता है। अच्छा, बीज के किस भाग से तने विकसित होते हैं बेटा, किस भाग से विकसित हो रहे हैं, देखो इपिकोटाइल से डेवलप हो रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, किस भाग से हो रहे हैं, इपिकोटाइल से हो रहे हैं, दो रीजन हो गया ना। अच्छा, दो स्टेटमेंट हो गए मेरे। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, देखो पौधे की प्रथम कलिका कहलाती है, देखो पौधे की प्रथम कलिका जो यहाँ पर कलिका बनती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे जो प्रथम बड बनती है उसका नाम क्या होता है, प्लीमोल्स होता है, या इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रांकुर बोलेंगे। ओके, प्रांकुर हो गया। अच्छा, प्रथम कलिका क्या कहलाएगी, प्रांकुर कहलाएगी। तीसरा क्वेश्चन हो गया, और क्या होता है, तने की विशेषता क्या होती है, उस पर क्या पाया जाए, पर्व तथा पर्व संधि पाया जाए, नोड और इंटर नोड पाए जाए। ठीक, अच्छा तो ये हमारे पर्व हो गए तथा पर्व संधि हो गई। आगे देखो, जो पत्तियां तथा शाखाएं निकलती हैं, पत्तियां और शाखाएं कहाँ से निकलती हैं बेटा, वो पर्व संधि से निकलती है। ये देखो ये पत्ती हो गई, तो यहाँ से यहीं से क्या हो गया, एक शाखाएं निकल जाएंगी, ये लीफ हो जाएगी, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रांचेज हो जाएंगे इसके। पत्तियां तथा शाखाएं किससे विकसित हो जाती हैं, ये हमारे पर्व संधि से होती हैं। ठीक है, तने के कहां पर, पर्व संधि से निकलती हैं। ओके, आगे हमारे बेटा स्टेटमेंट क्या होगा, तने का प्रमुख लक्षण क्या होता है, लक्षण भी मैंने बता चुका हूं, क्या होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। ओके, अच्छा निगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव जियोट्रॉपिक, और फिर से निगेटिव हाइड्रोस्कोपिक। ओके, तो दो चीजें हमारी पॉजिटिव हैं, दो चीजें निगेटिव हैं, एक चीजें हमारे पॉजिटिव हैं। इतनी हो गई ना। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि सन के प्रति क्या करता है, अफेक्शन शो कर रहा है, लाइट के प्रति अफेक्शन शो करता है, लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, तना ज्यादा डेवलप हो जाता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। और देखो जल से दूर भाग रहा है पानी, और इसके बाद जल भूमि से क्या हो जाता है, दूर भागता है, इसलिए इसे हम सब क्या बोल देते हैं, तना बोलते हैं। है? तो इसलिए हमारे तीन प्रॉपर्टीज की हो गई। नेक्स्ट हम सब बात करेंगे बेटा, जो स्टेम हेयर बनते हैं ना, ठीक, अच्छा जो स्टेम हेयर निकलते हैं, जिसे मान लो स्टेम हेयर जो निकलते हैं, जिसे हम प्रतानुतान बोलते हैं, तो स्टेम हेयर जो होते हैं उसकी संरचना कैसी होती बेटा, वो क्या हो जाएगी, मल्टी सेलुलर हो जाएंगे, जबकि जो रूट हेयर होते हैं, जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर की संरचना कैसी होती है बेटा, वो क्या हो जाती है, यूनिसेलुलर होती है। यह एक कोशिकीय होते हैं रूट हेयर, और ये क्या हो जाते हैं, बहुकोशिकीय हो जाते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर कौन होगा, रूट हेयर, और मल्टीसेलुलर कौन होगा, स्टेम हेयर। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास बात आएगी बेटा, क्या रूट क्लिम्बर किसमें पाई जाती है, रूट क्लिम्बर किसमें देखने को मिलेगा, पान में मिलेगा, पोथास में मिलेगा, टिकोना में मिलेगा, और अरबी में मिलेगा। है? अच्छा देखो, तो रूट क्लिम्बर किस में देखने को मिलता है, पान में, प्रोथास में, टिकोना में, आरबी में देखने को पाया जाता है। ठीक, अच्छा साथ ही साथ हम सब और बात कर लेंगे, क्या हुक क्लिम्बर, ओ हो,
ये तो है रूट क्लिम्बर था, तो पोथास में पाया गया, पान में पाया गया, टिकोना में पाया गया है। लेकिन जो हुक क्लिम्बर होता है, हुक क्लिम्बर किस में पाया जाएगा, बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है इससे। ये क्या हो गया, हुक क्लिम्बर इज फाउंड इन बोगेनविलिया, किस में मिलेगा, बोगेनविलिया में पाया जाएगा। हाँ अच्छा बेटा, फिर इसके बाद हम सब देखो कुछ जो होते हैं पड़ प्रतान निकलते हैं। प्रतान क्या होते हैं बेटा, ये देख लो, जैसे मान लो ये हमारा स्टेम है, ये इसकी क्या हो जाती है, ये पर्व है, ये इसके बाद क्या पर्व संधियां है, ठीक। तो यहां से क्या हो जाती है, जहां से लीफ निकलती है, जैसे मान लो यहां से क्या हुआ, लीफ का डेवलप हुआ, तो यहीं से हमारी क्या हो जाती है, कुछ अंगुली जैसी संरचनाएं ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जो होती हैं निकल जाती हैं, निकल जाती हैं। इन्हीं को हम सब क्या बोलते हैं, टेंड्रिल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टेंड्रिल बोलेंगे। हिंदी क्या होती बेटा, इसे प्रतान कहते हैं। ओके अच्छा, तो ये टेंड्रिल समझ में आ गई ना, जहां से पत्तियां निकलती हैं उसी के साइड से हमारी क्या हो जाती हैं, एक जो होती है रोबे या उंगली जैसी टीढ़ी टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हीं को हम सब क्या बोलते हैं, ट्रेंडिल बोलेंगे, ठीक है। अब ट्रेंडिल कितने प्रकार की ट्रेंडिल होती हैं, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। ट्रेंडिल से मेरा एक सवाल बन जाता है कि किसमें कौन सी ट्रेंडिल पाई जाती है। ओके, हमें सिर्फ क्या करना है, एग्जाम्पल ही रटने बेटा, ज्यादा अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी के सवाल हैं, कभी कभी आ गए तो आ गए, नहीं तो क्या होते हैं, नहीं आते हैं, हैं? अच्छा, इसलिए ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, हम सब क्या करेंगे, स्टेट फॉरवर्ड रटने की कोशिश करेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं कि हम सब रटेंगे बेटा लीफलेट ट्रेंडिल। पहला क्या हो गया, लीफलेट ट्रेंडिल किसमें हो गया, पाइसम सटाइवम में। पाइसम सटाइवम को क्या बोलते हैं बेटा, गार्डन पी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, गार्डन पी बोला जाता है। जबकि जो होते हैं आगे हमारे पास क्या हो गया, ये देखो लीफ टेंडिल किसमें पाई जाएगी, लेथाइरस अफाकम पाई जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, जंगली मटर बोलते हैं, जंगली मटर बोलेंगे। ये हमारी क्या हो गई, गार्डन पी हो गई, ये क्या हो गई, जंगली मटर हो गई। लीफ टेंडिल किसमें पाई जाएगी, जंगली टेंडिल में। लीफ लेट टेंडिल किसमें मिलेगी, हमारी खाने वाली मटर में। हाँ? अच्छा, फिर इसके बाद बात करेंगे बेटा स्टिपूल ट्रेंडिल, ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टिपूल ट्रेंडिल या अनपर्ण प्रतान किसमें देखने को मिलता है, तो ये किसमें देखने को मिलेगा, स्माइलेक्स में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलेगा, स्माइलेक्स में। अनपर्ण प्रतान किसमें देखने को मिला, स्माइलेक्स में पाया गया, ठीक। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम सब कहां पर, पेट्रियोल टेंडिल किसमें देखने को मिला बेटा। पेट्रियोल टेंडिल जो होते हैं वह किसमें देखने को पाया जाता है, ठीक। पाणबिंद प्रतान जो होता है वो किसमें देखने को मिलेगा, किसमें पाया गया, क्लिमेटिस और निपंथीज में पाया गया। दो प्लांट है क्लिमेटिस और निपंथीज, किसमें, क्लिमेटिस और निपंथीज में हमारे पेट्रियोल टेंडिल देखने को मिला। अच्छा लीफ अपेक्स टेंडिल आती है बेटा, लीफ अपेक्स टेंडिल किसमें देखने को मिलता है, यह हमारा ग्लोरियोसा में पाया जाएगा। ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा, इसकी हिंदी क्या होती है, पराग प्रतान किसमें देखने को मिलेगा, तो ग्लोरियोसा में देखने को पाया जाएगा, ठीक। अच्छा लाइनास से टेंडिल बनता है किसमें, या लाइनास टेंडिल किसमें देखने को मिलती है, टीनोस्पोरा में पाई जाती है, ठीक है। तो टीनोस्पोरा में हमारे पास ये देखने को मिला, ठीक। एक बार फिर से हम सब देख लेते हैं कि पहला क्या है, लीफलेट टेंडिल किसमें पाया गया, तो लीफलेट टेंडिल जो होती है वो किसमें मिलती है, हमारे पाइसम सटाइवम या गार्डन पी में पाई जाती है। जबकि लीफ टेंडिल जो होती है वो हमारे लेथाइरस अफाका में देखने को मिलती है, या हमारे जंगली मटर में पाई जाती है। और इसके बाद आती है क्या, स्टिपूल टेंडिल, स्टिपूल टेंडिल जो होती है वो स्माइलेक्स में पाई जाती है। और हाँ, इसके बाद पेट्रियोल टेंडिल जो होती है वो हमारे किसमें, निपंथीज में देखने को मिलती है, और क्लिमेटिस में पाई जाती है। और साथ ही साथ हमारा क्या होगा, लीफ अपेक्स टेंडिल किसमें देखने को मिलती है, ग्लोरियोसा में पाई जाती है। और लाइनास किसमें देखने को मिलता है, टीनोस्पोरा में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारे क्या बेटा, वन लाइन क्वेश्चन थे, इसको हम क्या करेंगे, रट लेंगे ऐसे ही, ठीक। यहाँ से सारी चीजें हमारी इसकी समझ में आ गई ना, हाइपोकोटाइल क्या होता है, एपिकोटाइल क्या होता है, इंटरनोड और नोड पाए जाते हैं, और इसका लक्षण समझ में आ गया, लीफ और शाखाएं किससे निकलती हैं, ये बातें हो गई ना, प्रथम कलिका का नाम क्या होता है, ये सारी चीजें हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया। अब बचता हमारा क्या बेटा, अब इसके मेन प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये तो हमारा थोड़ा सी बात थी क्या कि स्टेम की जनरल बातें थी, इन स्टेम से जो जनरल क्वेश्चन बन जाते थे, ठीक है। अब हम चलेंगे क्या, तने के रूपांतरण, अब इसके रूपांतरण की बात करेंगे, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम।
हार्ड। अब हम सब स्टार्ट करेंगे क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में देखेंगे कि स्टेम का रूपांतरण, ठीक। अच्छा, तो स्टेम का जो रूपांतरण होता है वो कितना होता है, तो स्टेम को हम देखते हैं रूपांतरण के बेस पर स्टेम कितने होते हैं, तीन प्रकार का इनका रूपांतरण देखने को मिलता है। कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो क्या होते हैं, भूमि के नीचे रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ जो होते हैं नीचे से ऊपर हल्का से उठे हुए होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम से क्या होते हैं, एयर में होते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर हम सब क्या करेंगे, स्टेम को मॉडिफाइड करते हैं, तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। अच्छा, तो पहला भाग हमारा क्या होता है बेटा, जो हमारे भूमि के नीचे पाए जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक। पहला क्या हो गया, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्तंभ के भूमिगत, भूमिगत मतलब भूमि के नीचे हो जाएगा, है। दूसरा, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक। तो इसमें कुछ नीचे रहेगा, कुछ भाग क्या रहेगा, इसका ऊपर रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब एरियल मॉडिफिकेशन बोलेंगे, है। अच्छा, लास्ट में क्या होगा, जो संपूर्ण रूप से क्या होगा, भूमि के ऊपर पाया जाएगा, एयर में पाया जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक। अच्छा, तो तीन हमारे हो गए मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक। अच्छा, तो हम सब क्या करेंगे, पहला पढ़ेंगे, पहला क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ऐसे तने जो भूमि के नीचे पाए जाते हैं या भूमिगत होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है क्या, कि पहले वाले को बोलते हैं क्या, हम सब प्रकंद, प्रकंद बोलेंगे, और प्रकंद जो होता है इसी को बोला जाता है राइजोम। राइजोम क्या होता है बेटा, यह जो होते हैं यह भूमि के नीचे क्षैतिज दिशा में पाया जाता है, और इसमें नोड और इंटर नोड एकदम से क्लियरली पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पर्व संधियों से इसमें होता क्या है, कि पर्व संधियों से कुछ जड़ें निकलती हैं जिन्हें हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, ओके। तो अपस्थानिक जड़ें हो जाएंगी, और प्रकंद में क्या होगा, नोड और इंटर नोड एकदम से क्लियर रहेगा, ओके। चलो अब हम सब क्या करेंगे, देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल ही हमें क्या करने हैं रटने बेटा। अदरक हो गया, हल्दी हो गई, और इसके बाद फाइकस हो गया, हेना हो गई, हाँ। तो अदरक हल्दी फन है ना, मजाक करो कैसे, कि अदरक है ये, अदरक हल्दी फन है ना, ठीक। तो अदरक हल्दी फन है ना, इससे हमारा क्या हो गया, अदरक को बोलते हैं जिंजर, टर्मरिक, फाइकस और केली, ठीक। तो ये हेना जो होती है, इतने हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, राइजोम के एग्जाम्पल होते हैं। राइजोम के एग्जाम्पल मैंने चार बताया, अदरक हल्दी फन है ना फाइकस बरगद हो गया है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं, तो इसका हमारे पास बेटा मॉडिफिकेशन क्या हुआ, कि यह जो होते हैं भूमि के नीचे क्षैतिज दिशा में पाए जाते हैं, और इसमें नोड और इंटर नोड क्लियरली विजिबल होते हैं, और इंटर नोड से कुछ जड़ें निकलती हैं जिन्हें हम अपस्थानिक जड़ें बोलती हैं, और उन अपस्थानिक जड़ों से जड़ें जो होती हैं वो इनके लिए क्या होती हैं, जो होते हैं फूड स्टोरेज के लिए रिस्पांसिबल होती हैं, ठीक। अच्छा, अब हम सब बात कर लेंगे क्या, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट राइजोम और ट्यूबर में अंतर क्या होता है बेटा, ये भी भूमि के नीचे क्षैतिज दिशा में होता है, ये भी रहता है, ठीक है, और इसमें नोड और इंटर नोड वेरी क्लियरली होते हैं, इसमें कम क्लियरली होते हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, अपस्थानिक जड़ें नहीं पाई जाती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें अपस्थानिक गणें जड़ें जो होती हैं कंद में नहीं पाई जाएंगी, ठीक। अच्छा, और यह क्या होते हैं, शीर्षस्थ होता है, यह शीर्ष वाला नहीं, ये बीच का भाग होता है, ये शीर्ष का फूला हुआ भाग जो होता है उसी को हम सब क्या बोल देते हैं, अब वो जो होते हैं ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्षैतिज दिशा में, वो भी क्षैतिज दिशा में, ये बीच का भाग होता है, ये शीर्ष का भाग होता है, इसमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, इसमें अपस्थानिक जड़ें नहीं पाई जाती हैं, नोड और इंटर नोड बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं, और इसमें थोड़ा सा कम क्लियर होते हैं,
ओके अच्छा, तो अब हम सब देख लेते हैं बेटा, सोलनम ट्यूबरस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोलनम ट्यूबरसम हो जाएगा, अरे जेरूसलेम हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारा क्या है, हेलियंथस ट्यूबरसस। ठीक, तो हेलियंथस ट्यूबरसस किसका एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक अच्छा, तो कंद आपको समझ में आ गया, कंद क्या होगा बेटा, यह क्या होता है, साखित चरण, साखित शीर्ष वाला तना हो, शीर्ष तने का भाग होता है जो क्या हो जाता है, फूल जाता है, फूल करके फूला हुआ भाग जो होता है उसमें क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो होते हैं जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जांपल क्या हो गया, आलू हो गया, जेरूसलेम हो गया, हेलियंथस ट्यूबरोसस हो गया, ये तो हमारे इसके कंद के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, मोस्टली जो पूछा जाता है वो हमसे आलू के बारे में पूछा जाता है, आलू है, आलू कौन सा स्टेम होता है, निम्न चारों एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो हम उसमें से क्या टिक करेंगे, ट्यूबर टिक करेंगे हैं। अच्छा, थर्ड नंबर पर स्टार्ट होता है, लो भैया थर्ड नंबर पर स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड नंबर थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है, यह है घन कंद, कंद को क्या कर दो, बड़ा कर दो, आलू को बड़ा कर दो, मतलब उसका घन तीन गुना कर दो, घन मतलब क्या होता है, तीन गुना, उसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ा, ये क्या होगा, बहुत बड़े आकार का होगा, और बड़े आकार के साथ साथ क्या हो जाएगा, यह जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, और अभी तक ये सब दोनों क्या थे, क्षैतिज दिशा में पाए गए थे, लेकिन पहला जो है क्या होता है, यह पृथ्वी के अंदर ऊर्ध्वाधर दिशा में विकसित होता है और बहुत बड़े साइज का होता है, नोड और इंटर नोड क्लियरली इसमें क्या होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं। ठीक, इतनी बातें हो गई ना, चलो भैया अब हम सब बात कर लेते हैं क्या, हाँ अब हम सब आते हैं बेटा किस पे, देखो इस एग्जांपल पर, अरवी घुइया जिमीकंद और केसर। ठीक, अरवी भुइया जिमी कंद या सूरन जी, और इसके बाद केसर, ये सब हमारे क्या होते हैं, घन कंद के एग्जाम्पल होते हैं। बस इसमें एक बात हमारे लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यह क्या होते हैं, पृथ्वी कर पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब क्या होता है बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन, किसमें, वर्टिकल डायरेक्शन, ओके वर्टिकल डायरेक्शन, और ये सब क्या, आप देखो दो दो डायरेक्शन होता है, अगर हमारे पास क्या होता है इस तरीके की लाइन होती है तो इसे हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, अगर हम लाइन को ऐसे कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर है, ये क्या है हमारी बेटा, क्षैतिज है, दोनों बातें क्लियर हो गई। तो ये क्या रहेगा, ऐसा जो है, ऐसा स्टेम जो पृथ्वी के अंदर ऊर्ध्वाधर दिशा में डेवलप होता है या विकसित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घन कंद कहते हैं, कार्म बोलते हैं। ठीक है, अच्छा कार्म का एग्जाम्पल बेटा, अरवी हो गया, घुइया हो गया, जिमी कंद हो गई, केसर हो गया, इतनी बातें हो गई ना, चलो अच्छा अब आते हैं हम सब क्या नेक्स्ट जो होते हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट वाले बल्ब, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे पढ़ेंगे, वो हमारा कौन सा है, शल्क कंद है। ठीक, शल्क कंद जो होता है उसके बारे में देख लेते हैं बेटा, यह क्या होता है कि इसमें जो शल्क कंद होता है ना, यह ऐसा स्टेम होता है जो क्या होता है, फूड के स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करके यह जो होता है फूल जाता है। ठीक, फूल जाता है, अब जो फूला हुआ भाग होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का इस वो करता है। ठीक है, और बात करेंगे क्या होता है, यह हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम होता है, बहुत बड़ी बात बेटा, यही सवाल पूछा जाता है, हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक, किसे कहते हैं, अत्यंत सम्मानित भूमिगत तना, अत्यंत सम्मानित भूमिगत तना, हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम किसे कहते हैं। ठीक, चार एग्जाम्पल रहेगा, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म और बल्ब, तो किसको मारेंगे, आंसर हमारा कौन सा सही होगा, बल्ब वाला सही होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ही लिखा है यह क्या होता है, हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, अब जब हाईली रिड्यूस्ड हो जाता है तो स्टेम क्या होगा, रिड्यूस होकर के एकदम से बेटा ऐसी संरचना बना लेता है, ऐसे क्या कर लेगा, संरचनाएं बना लेता है, ऐसे संरचनाएं जब बन जाती हैं, ऐसे संरचनाएं बन जाती हैं, अब इसी जैसे मारे क्या हो गया, यहीं से हमारे स्टेम निकल जाते हैं, तो ऐसे स्टेम, और जो ये होते हैं इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह क्या हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इसमें संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे ऐसे होते हैं
ठीक, तो इसके एग्जांपल देख लेंगे बेटा, क्या हो गया, एलियम सेपा हो गई, एलियम सेप्टाइबम हो गया, ठीक, एलियम सेपा और एलियम सेप्टाइबम। चलो अच्छा, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, प्याज और लहसुन दो हमारे स्पीसीज हैं बेटा, दो हमारे प्लांट ऐसे हैं जो क्या होते हैं, बल्ब में आते हैं, ठीक है। अच्छा तो इसमें भी पूछा जाता है बेटा, ट्यूनिकुलेटेड बल्ब किसमें होती है, स्केली बल्ब किसमें होती है, तो जो प्याज होती है ना, प्याज को हम सब क्या बोलते हैं, ट्यूनिकुलेटेड बल्ब पाई जाती है इसमें, ट्यूनिकुलेटेड बल्ब, ओके, या ट्यूनिकुलेटेड बल्ब होती है। और इसके बाद जो इसमें होता है ना, वो क्या होती है, स्केली बल्ब पाई जाती है। क्या हो गया बेटा, ये क्या है, स्केली बल्ब है। स्केली बल्ब का एग्जांपल कौन होता है, लहसुन होता है। ट्यूनिकुलेटेड बल्ब का एग्जांपल कौन होता है हमारी, ओनियन होती है, प्याज होती है, सॉरी। अच्छा अब इसमें देख लेते ना कुछ जो होते और चीजें, तो ओनियन की जो हमारे पास ओनियन हो या लहसुन हो, देखो बेटा प्याज और लहसुन की जो महक होती है ना, वो किसके कारण होती है, कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है, तो हम सब क्या करेंगे, एक सिंपल सी बात से याद कर लेंगे, तो ओनियन और इसके बाद गार्लिक में जो महक होती है, मोस्टली अगर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है उसी की वजह से उसमें क्या होती है, महक होती है, ठीक है। अच्छा तो स्किन के जितने भी लेजन होते हैं, मोस्टली हमारे क्या होते हैं, सल्फर ही इसको रेगुलेट करता है, ठीक। अच्छा अब क्या हो गया बेटा, तो ये देख लेंगे कि जो बैड स्मेलिंग आती है वो हमारे ओनियन की किसके कारण होती है, सैक्स के कारण होती है। अच्छा सैक्स बेटा ये है क्या, इसे हम बोलते क्या हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देख लो, ये है क्या बेटा, सल्फर एलिल एलिल सिस्टीन सल्फॉक्साइड, सल्फर एरिन सल्फॉक्साइड, ये बेटा हमारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड में सैक्स बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सैक्स। इन्हीं कंपाउंड की वजह से गार्लिक और इसके बाद ओनियन में महक पाई जाती है, ओके। और इसीलिए इसमें कोई भी दीमक, कोई भी जो होते हैं इंसेक्ट इसके पीछे, इसके इसमें जो है नहीं जाते हैं, ओके। अच्छा फिर इसके बाद हम सब बात करेंगे बेटा कि जो शल्क कंद की मांसल होती हैं, ये हमारी शल्क कंद है, ट्यूनिकुलेटेड है, ठीक। तो ये जो शल्क कंद की मांसल पत्तियां होती हैं, इसमें क्या पाया जाता है, मैंने बता दिया कि इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित भोज पदार्थ पाया जाता है, ठीक। ये हमारे क्या थे, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम थे। अंडरग्राउंड में हमने पढ़ा चार प्रकार का, पहला पढ़ा राइजोम, दूसरा पढ़ा ट्यूबर, तीसरा पढ़ा कार्म, चौथा पढ़ा हम सब लोग क्या, बल्ब। बल्ब में दो प्रकार की बल्ब, ट्यूनिकुलेटर बल्ब और स्केली बल्ब। ट्यूनिकुलेटर बल्ब जो होती है ओनियन में पाई जाती है, स्केली बल्ब किसमें देखने को मिलेगी हमारी, यह जो होते हैं लहसुन में मिलेगी, ठीक। अच्छा जो ओनियन का, ओनियन में जो महक होती है किसके कारण होती है, सेक्स के कारण होती है। सेक्स मतलब क्या होता है, सल्फर एलिल सिस्टीन सल्फॉक्साइड कंपाउंड होता है, ठीक। अच्छा फिर इसके बाद, अच्छा इस बल्ब से क्या क्वेश्चन बनता है, देखो इससे क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्या होता है, अच्छा पूछा जाएगा कि तने का अत्यधिक सम्मानित रूपांतरित रूप होता है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, शल्क हो जाएगा, या उसमें हमारे एग्जांपल के तौर पर प्याज लहसुन दिए रहेंगे, ठीक। तो अत्यंत सम्मानित भूमिगत तना कौन कहलाता है, बल्ब कहलाता है। अच्छा वह कौन सा बल्ब है जो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में डेवलप होता है, तो वह क्या है, कार्म घनकंद होता है। और दोनों जो होते हैं, देखो अब इधर क्या होगा, दोनों क्षैतिज दिशा में होते हैं, लेकिन इसमें दे होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें पर्व संधियों से क्या निकलती है, निचली पर्व संधियों की निचली सतहें से अपस्थानिक जड़ पाई जाती है, और इसमें अपस्थानिक जड़ नहीं पाई जाती। ऐसे हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, ठीक। तो अपस्थानिक जड़ अगर नहीं पाई जाती है तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, कंद हो जाएगा। अगर पाई जाएंगी तो उसका एग्जांपल वह कौन हो जाएगा, हमारा राइजोम हो जाएगा, ओके। और ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा तो कार्म होगा। अगर हमारे क्या होगा, अत्यंत सम्मानित हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम पूछा गया, तब एग्जांपल हमारा क्या हो गया, बल्ब का हो जाएगा, ओके। सारी बातें आपको समझ में आने, कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप लोग ध्यान दो, ठीक, बातों पे ध्यान दो, क्वेश्चन वही आएंगे, इसके अलावा क्वेश्चन आने वाले नहीं है, ठीक। अच्छा बेटा अब हम क्या करेंगे, आज वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही है, अब वीडियो को यहीं पर हम पॉज करेंगे, और वीडियो को देखो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है कॉल करके पूछो या कमेंट करके पूछो, ठीक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।